मैडम टीका ठीक। भैया खट्टा कम है। मामा मामा प्लीज मामा पानी पूरी। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, गला खराब हो जाएगा। अरे अरे बेटा वही अल्लाह तो ना बाहर। अरे 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 पारे अरे उड़ाने अरे पाप चाय इधर की रे इधर शुरू है चीज क्या मस्ती करने का बार में इधर Can you respect your nation if you cannot respect your national anthem? Respect your national anthem. Respect your nation. जब इतना खोजने के बाद हमें आजादी मिली तो आजादी ने हमसे पूछा अब क्या खोजोगे, और हमने कहा हमें खोज है एक ऐसे कल की जिसे हम खुद लिखें, जिसमें सपनों की कोई सीमा ना हो और कोई कदम धीमा ना हो। एक ऐसा कल जो हरा हो, सफेद हो, जिसमें हम दुनिया को जाने। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। और दुनिया हमें मस्त बना भानुवत है यार। हमें खोज है एक ऐसे कल की जहां मिले नई उड़ाने, नई उम्मीदें, नए फसाने, जहां कदमों से मिले कदम, जहां हर घड़ी हर पल रफ्तार पकड़े हम, सुनहरा उज्जवल ऐसा एक कल। आइडियाज पर इन्वेस्टमेंट का दौर है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का दौर है। पचहत्तर साल, 140 करोड़ हिंदुस्तानी और अनगिनत सपने। आइए मिलकर जश्न मनाएं इंडिया की इस उड़ान का। देश की सरहद से घर की दहलीज तक मौसम गुजर जाते हैं। तस्वीरों में बड़े हो जाते हैं, ये अरसे बाद घर आते हैं। तसल्ली झूठी देते हैं पर कहानियां सच्ची सुनाते हैं।
फौलाद से दिखते हैं पर भीतर इनके भी इंसान ही बसते हैं। पहली बारिश की बूंदें इन्हें भी भाती हैं। होली दिवाली इनकी भी आती है। जहां अपनी जान पे ये खेलते हैं वहां अपील है ना अंपायर, फिर भी एक दूजे के चीयर लीडर बन जाते हैं। पर अक्सर इन गुमनाम चेहरों को हम भूल जाते हैं, जबकि ये कंधों पे अपने पूरा देश उठाते हैं। हो ना हो कुछ लोग देश के पार्ले जी बन जाते हैं। तो बच्चों पता है आजादी है क्या? आजादी वही जिसका खुल के मजा उठाओ, इधर कोना दिखे तो वहीं शुरू हो जाओ और जहां से भी गुजरो अपना निशान छोड़ते जाओ। और भैया असली धुंधर मिलते हैं यहां, जो हर 15 अगस्त को देशभक्त बन जाते हैं। रियल इंडिया की फोटो इंस्टाग्राम पे हैशटैग आजादी के साथ चिपकाते हैं। बलात्कार बस नाम सुन के ही खून खौल से जाता है। अरे मर्द हैं हम पर मजबूर भी हैं, आंखों को कहां रोका जाता है। ये चाइनीज जापानीज टाइप के लोग इस देश को अपना समझे बैठे हैं। अबे ओ मोमो, पर भला हो देश के सपूतों का जो इनको इनकी औकात बताते रहते हैं। ढुल्ला है पांडूस, पब्लिक को खून डराता है, वर्दी का रौब दिखाता है। तो समझ गए बबुआ आजादी? अगर समझ गया तो लाजवाब, जो ना समझा तो सोच जरा। तू लाइक्स तलाश है नालायक, इन लाइक्स के लायक बन तो जा। खुद से भी घिन आ जाएगी, अपने अंदर तो झांक जरा। अरे क्या हुआ जो थोड़ा सा दिखता है तुझसे अलग से ही? जिस देश को तूने बांटा है वो देश है थोड़ा इसका भी। क्या भूल गए बटला हाउस और भूले 26/11 भी? जिसे पांडु ठुल्ला कहते हो वहां खून भाता इसका भी। आजादी का असली मतलब जब समझ में आ जाए यारा, तो सीना ठोक के कहना प्यारे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। माय कहती थी ए भाई वो चल सत्याग्रह करो। भारत के मिट्टी में जो पैदा होगा वो भारत का मालिक है। मैं जब 14 साल का था तब पहली बार जेल गया। जेल में जो थाली में हम लोग खाना खाते थे पानी से साफ होना अलाउ नहीं था, ब्रिक्स इन का पाउडर करके थाली को चमकाने का। हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लोगों के सामने खड़ा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये सब त्याग ना होता तो आजादी कैसे आती?
बताओ बताओ। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने खून दिया, आप टाइम नहीं दे सकते? पापा, स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने प्रण लिया था कि वो पूरे जीवन भारत में बने हुए सूती कपड़े ही पहनेंगे और विदेशी कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। पापा, अब क्या एक दिन के लिए भी नहीं पहन सकते? अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए पापा वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां खाई थी और आप पारंपरिक वेशभूषा पहन के नीचे नहीं आ सकते। मेरे देश की मिट्टी है प्यारे, बस मिट्टी नहीं कहलाती है। कुम्हारों के हाथ लगे मिट्टी सोना बन जाती है। देश के कोने कोने की कहानी ये सुनाती है। कला ये भांति भांति देखो देश की शान बढ़ाती है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश के हर एक कोने से पूरा भारत ले आए हम अजब गजब इन कुल्हड़ में। पंजाब की फुलकारी से महाराष्ट्र की वारली, गुजरात भी थोड़ा घोड़े भागे। कमाल की कला बंगाल की पटुआ में, ओडिशा की रौनक पट चित्रा में। चित्तारा भी खूब जचे कर्नाटक की हर चौखट पे। यूपी की सांझी देखोगे तो कागज में है फूल खिले। कुल्हड़ है या कला कोई तुम पूछो इन कुम्हारों से, आजादी की मिट्टी में एक अलग सी खुशबू है प्यारे। ये देश की मिट्टी है प्यारे और आजाद देश ये हमारा। तो इस बार जब देश फिर से आजादी का जश्न मनाए, आओ करें सम्मान उन कुम्हारों का जिन्होंने बनाया ये चाय का अजब प्याला जो है इस देश का सबसे निराला। ये है देश की चाय का सलाम अपने देश की मिट्टी को। अम्बे माँ जगदम्बे माँ, दर छोड़ के न जाऊंगा मैं मैया, कभी तो नैया पार करूंगी। दर छोड़ के न जाऊंगा मैं मैया, तेरे आगे कौन राजा कौन रंकमार, तेरे आगे कौन राजा कौन रंकमार। ओ तेरे द्वार पे है एक सारे रंगमार, झोली पूरी भर के जाऊंगा मैं मैया, कभी तो नैया पार करोगी। छोड़ के न जाऊंगा मैं मैया, कभी तो। Let's go.